जी महाराज, मैं आज बड़ी खुशखबरी तेरे पास लेकर आया हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो आप इतनी जल्दी सुबह सुबह महल में आ गए? सुबह सुबह मुझे आज जरूरी इस तरह आना पड़ा। हाँ, के जो तेरा बेटा अभिमन्यु है, अच्छा, वो जवान हो गया है। हाँ, मेरा मन बना है। हाँ, कि जो मेरी शिष्या है जिसको मैं नृत्य व गायन सिखाता हूँ, अच्छा, उसकी शादी अपने बेटे अभिमन्यु के साथ कर दी जाए तो कितना अच्छा होगा। महाराज, मेरा बेटा अभिमन्यु एक राजा है, और जिसको आप ये गाने और नाचने की कला सिखा रहे हैं कुछ पता नहीं है, मैं अपने बेटे की शादी उसके साथ बिल्कुल नहीं करूंगी। बावड़ी, ये गाने और नाचने की कला 16 कलाओं में से एक बताई जाती है। अच्छा। हाँ, परंतु महाराज एक बार सुन ले, दो बार सुन ले, शादी नहीं होगी तो उतरा गया, मेरे बेटे की शादी बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी? जिस दिन तुझे पता चलेगा ना भेद का, तू भी नहीं करेगा शादी। अच्छा। हाँ, सुन तो मेरी बात और अपनी कह दे। द्रौपदी पाला शादी कर ले, तू अपने लाल की। अच्छा महाराज, ओ हीजड़े में जली फिरू सू। अच्छा, 13 साल की द्रौपदी पाला शादी कर ले, तू अपने
दे सकती हूँ। कौन सा उपाय है तेरे पास? आप एक ऐसे लेके कपड़ा और दर पर दर जाके झोली फैला के भीख मांग कर अपना गुजारा कर सकते हो। द्रौपदी तेरी बुद्धि तो ठिकाने है या नहीं? बिल्कुल ठिकाने है मेरी बुद्धि। एक बात सुन, हम आज भी राजा हैं और कल भी राजा थे और आने वाले समय भी राजा है। ये तो समय का चक्कर है द्रौपदी, इसको तू समझ नहीं रही है महाराज। नू क्या करे, समय समय का मोल जगत में, समय समय का मोल जगत में, सदा किसी की ना चाली और अपनी अपनी चलती के माँ घाट किसी ने ना गाली। जब उनकी चली थी तो उन्होंने कसर नहीं छोड़ी मारी गल्ला, और आज जब मेरा नंबर है घाट मैं भी नहीं गालूंगी। अच्छा सुन तो मेरी बात।
के लिए, श्रोताओं के लिए, अच्छा, और ये लाइन नौजवानों के लिए। ओ सैया ले गई जिया।